असलम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टुडे वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट साइंस यूनिट यूनट दैट इज सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डियर स्टूडेंट्स क्या कभी आपने ये नोट किया है या सोचा है इस चीज़ के बारे में कि आपकी बॉडी किस तरह बनी है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी कैसे बनी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस प्लांट्स स्नेक्स इंसेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आपको अपनी आंख से भी नज़र नहीं आते ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं इनकी बॉडी सेल से बनी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स हु डिस्कवर्ड आ सेल अगर हम इसकी डिस्कवरी देखें तो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी वो थे रॉबर्ट हुक इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि सेल वर्ल्ड का क्या मतलब है सेल का मतलब है अ स्मॉल रूम जिस तरह एक छोटा रूम होता है उसके अंदर डिफरेंट थिंग्स जो हैं चीज़ें वो अरेंज होकर ऑर्गेनाइज होके अपनी जगह पे होती हैं इसी तरह सेल भी एक स्मॉल रूम है उसके अंदर उसकी थिंग्स उसके स्ट्रक्चर्स जिनको हम ऑर्गेनाइल कहते हैं प्रॉपरली अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट हैं सेल वट इज अ सेल सेल इज दिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल फिश ट्री स्नैक एलिफेंट मैन एंड ईगर आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि किस तरह ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ बिल्डिंग की जिस तरह एक बिल्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है इसी तरह सेल जो है वो एक टाइनी बॉडी है वो दूसरे सेल के साथ मिलके के बनाते हैं टिश्यूज के बाद मसल्स बनते हैं मसल्स के बाद ऑर्गन्स बनते हैं ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है कि एक सेल जो है वो बाकी सेल के साथ कंबाइन होके एक पूरी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनाता है फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ट्रीज स्नेक्स फिशेस आर आल मेड अप ऑफ सेल्स व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल सेल कम्स इन थाउजेंड ऑफ शेप्स एंड साइजिज इफ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल इन एनिमल सेल इट इज राउंड और इरेगुलर इन शेप बट इन प्लांट सेल इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप सेल की डिफरेंट शेप्स हैं डिफरेंट साइज हैं अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं यहाँ पे जो येलो कलर के डायग्राम में शो हो रहा है वो एनिमल सेल है उसकी कैसी शेप है वो राउंड इन शेप है गोल है एनिमल सेल राउंड भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है मीन्स उसकी कोई ख़ास शेप ना हो सेकंड जो है वो प्लांट सेल है यहाँ पे आपको शो हो रहा है वो किस तरह है वो रेक्टेंगुलर इन शेप है जिस तरह सेल की डिफरेंट शेप्स थी इस तरह सेल डिफ़रेंट साइज़ेस के भी होते हैं कुछ सेल जो हैं वो स्मॉल है कुछ सेल जो हैं वो लार्ज हैं अगर हम स्मॉल सेल की बात करें उसका साइज़ मैर करें तो देट इज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन वो इतना छोटा है कि हमें अपनी कि वो हमें अपनी आँख से नज़र ही नहीं आता उसकी स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे और अगर हम देखें कि एक लार्ज सेल जो है वो कितना बड़ा हो सकता है साइज़ में तो दैट इज़ सिक्स टू ट्वेल्व इंचेस। एक ह्यूमन बॉडी है अगर हम एक एस्टीमेट लगाएं कि उसमें कितने सेल प्रेजेंट होंगे कितने सेल से मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनती है तो दैट इज़ अबाउट 37.2 ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एक ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 37.2 ट्रिलियन सेल्स इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ सेल्स इतने सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो एक जो ह्यूमन बॉडी है वो बनती है वट आर दंक्शंस ऑफ सेल अ सेल टेक्स न्यूट्रेंट एंड कन्वर्ट दैम इन एनर्जी सेल जो है वो न्यूट्रंस ईत को ले लेता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है हाउ किस तरह आप जो फूड खाते हो उस फूड के अंदर न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स ये आपकी फूड के अंदर न्यूट्रंस प्रेजेंट हैं जब आप फूड खाते हो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो ये न्यूट्रेंट्स जो हैं ब्लड के जरिए आपके बॉडी के हर पार्ट के पास जाते हैं और आपकी बॉडी का हर पार्ट जो है सेल से बना होता है सेल के अंदर जब ये न्यूट्रेंट्स जाते हैं तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेल जो है उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो न्यूट्रंस को यूज़ करेगा और प्रोड्यूस करेगा इनर्जी ये तो एक सेल में हुआ इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रिलियंस अमाउंट में सेल प्रेजेंट है वो इसी प्रोसेस के थ्रू इनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो इनर्जी जो है अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए आप यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल वॉक करने के लिए मूवमेंट करने के लिए बातें करने के लिए वो इनर्जी आपको कहाँ से मिलती है सेल्स से मिलती है नेक्स्ट वन इज सेल्स कैरी ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर नेसेसरी टू कीप आर लिविंग बींग इब सेल वो सारे प्रोसेस को कैरी करता है जो एक जानदार को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है सेल है सेल के अंदर लिविंग मैटर प्रजेंट होता है वो लिविंग मैटर सेल को फंक्शनल बनाता है जिसकी वजह से सेल डिफरेंट बाइलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस आ गया जो आप सांस लेते हैं डाइजेशन का प्रोसेस आ गया जो आपकी फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं वो सेल पे डिपेंड करते हैं अगर सेल होगा तो आपकी बॉडी के अंदर रेस्पायरेटरी प्रोसेस रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा आप जिंदा रह सकते हैं अगर सेल नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते एक ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर सेल है तो एक लाइफ पॉसिबल है अगर सेल नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है तो डीए स्टूडेंट्स जो आज हमने यूनिट वन के मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं वह सेल क्या होता है कौन कौन सी उसकी शेप्स हैं किस तरह के उसके साइज़ हैं और क्या जो सेल के फंक्शन हैं तो डी स्टूडेंट्स जो आपके लिए साइमेंट है वो ये है राइट द डेफिनेशन ऑफ ए सेल आपने अपनी नोटबुक्स में सेल की डेफिनेशन लिखनी है एंड ड्रा आर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल डायग्राम्स ड्रा करनी है एनिमल सेल की और प्लांट सेल की थैंक यू